अस्सलाम वालेकुम आज की वीडियो सी डब्ल्यू एम सर्टिफिकेशन से रिलेटेड है इस वीडियो में मैंने सी डब्ल्यू एम से रिलेटेड जो पॉइंट्स डिस्कस किए हैं वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे टाइम वेस्ट किए बगैर वीडियो को शुरू करते हैं व्हाट इज सी डब्ल्यू एम स्टैंड फॉर चार्टर्ड वेल्थ मैनेजमेंट सी डब्ल्यू एम को ए ए एफ एम कंडक्ट करती है जिसकी फुल फॉर्म अमेरिकन अकेडमी फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ये एक ग्लोबली रिकोगनाइज सर्टिफिकेशन है जिसके बाद आप वन 50 प्लस कंट्रीज में जॉब कर सकते हैं वेल्थ मैनेजमेंट से रिलेटेड ये एक यूनिक और रिवॉर्डिंग सर्टिफिकेशन है एक वेल्थ मैनेजर फाइनेंशियल एडवाइस देता है और वेल्थ को मैनेज करता है वेल्थ मैनेजमेंट में इन्वेस्टमेंट रिटायरमेंट प्लानिंग टैक्स एडवाइज़, इंश्योरेंस और स्टेट प्लानिंग वगैरह शामिल होती हैं CWEM एग्जामिनेशन एंड करिकुलम CWEM में टोटल 2 एग्जाम्स होते हैं फ़ाउंडेशन लेवल एंड एडवांस लेवल ये दोनों लेवल्स में नाइन नाइन यूनिट्स होते हैं जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे फाउंडेशन लेवल एग्जाम की जो ड्यूरेशन है वो वन वन फाइव मिनट होती है तकरीबन दो घंटे के राउंड अबाउट और इसमें सेवनटी एम होते हैं जिनके टोटल मार्क्स वन होते हैं और आपको पास होने के लिए फिफ्टी मार्क्स लेने होते हैं एडवांस लेवल एग्जाम की जो ड्यूरेशन है वो वन सेवन फ़ाइव मिनट यानी तकरीबन तीन घंटे होती है इसमें नाइन्टी एम होते हैं जिनके टोटल मार्क्स टू बनते हैं और इस एग्जाम में भी पास होने के लिए आपको फिफ्टी परसेंट मार्क्स लेने होते हैं एक अच्छी बात यह है कि दोनों एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग डॉलर होती है एंड सर्टिफिकेशन फीस हंड्रेड डॉलर होती है जब आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो आपको एग्जाम थ्री सिक्सटी फाइव डेज यानी कि एक साल में पास करना होता है और सी डब्ल्यू एम आपको विद दिन थ्री ईयर्स पास करनी होती है अगर इस सर्टिफिकेशन को आप थ्री ईयर्स में पास नहीं करेंगे तो आपने इससे पहले अगर एक, एक एग्ज़ाम पास किया होगा वो भी आपको दोबारा से पास करना पड़ेगा सी डब्ल्यू एम के लिए आपको स्टडी मटीरियल ऑनलाइन प्रोवाइड किया जाता है और स्टडी मटीरियल के लिए आपको अलग से फ़ी पे नहीं करनी होती है सी डब्ल्यू एम की फ़ीस का जो तो टोटल किया जाए तो वो थर्टीन हंड्रेड डॉलर बनता है और फीस आप सोच समझ कर पे कीजिएगा क्योंकि सी डब्ल्यू एम में रिफंड वाला कोई सीन नहीं होता है बेनिफिट्स ऑफ सी डब्ल्यू एम ये एक जबरदस्त सर्टिफिकेशन है इनफैक्ट वेल्थ मैनेजमेंट में ये एक टॉप लेवल की सर्टिफिकेशन है अगर कोई भी रिच पर्सन अपनी वेल्थ को मैनेज करवाना चाहता है तो वो डेफिनेटली एक सी डब्ल्यू एम को अप्रोच करेगा इसके अलावा ये एक ग्लोबली रिकग्नाइज सर्टिफिकेशन है इट मीन्स एक वेल्थ मैनेजर अपनी सर्विसेज वन फिफ्टी प्लस कंट्री में प्रोवाइड कर सकता है सी डब्ल्यू एम करने के बाद आपकी जो डिमांड है, है और इंडिया पाकिस्तान में भी अवेलेबल है और इस की जो है, वो भी मुनासिब है दूसरी क्वालिफिकेशन के में। CWM plus, या कोई भी प्रोफेशनल कोर्स का बहुत अच्छा कंबिनेशन बनता है एडमिशन रिक्वायरमेंट सी डब्ल्यू एम में आप एडमिशन इंटर या ग्रेजुएशन के बाद ले सकते हैं इंटर के बाद आप कंपल्सरी पाथवे के थ्रू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और

पास करने के बाद ही दी जाती है इसका मतलब सी डब्ल्यू एम के लिए आपको ग्रेजुएशन करना बहुत जरूरी होती है अदरवाइज आपको सर्टिफिकेशन नहीं दी जाएगी सैलरी आफ्टर सी डब्ल्यू एम सैलरी बहुत से फैक्टर्स पर डिपेंड करती है लाइक स्किल्स एक्सपीरियंस प्लेस और सिटी एंड जॉब काइंड सी डब्ल्यू के बाद आप किसी करोड़पति पर्सन की वेल्थ को मैनेज करते हो तो जितना कोई पर्सन रिच होगा उतनी ही आपकी सैलरी ज़्यादा होगी यानी जितनी बड़ी अमाउंट को आप मैनेज करते हैं उतनी ही आपकी सैलरी हाई होती है इसके अलावा सी डब्ल्यू एम सर्टिफिकेशन के साथ आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो मिनिमम ग्रेजुएशन होती है जो मैं पिछले पॉइंट में आपको बता चुका हूं, जिसकी वजह से आपको डिसेंट सैलरी पैकेज मिल जाता है सी डब्ल्यू एम की बेस ग्रेजुएशन की हुई है तो जो आपका सैलरी पैकेज होगा वो फिफ्टी थाउजेंड के राउंड अबाउट होगा पर मंथ और अगर आप किसी प्रोफेशनल कोर्स के साथ इस सर्टिफिकेशन को करते हैं तो आपकी सैलरी लैक्स में होती है आई होप कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा और इस टाइप की और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर फैक्ट इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें